मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। डॉक्टर विनय जायसवाल गोदरीपारा के बूथ क्रमांक 65 में पहुंचकर वोट डाला। विनय जायसवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ने। 8 विधानसभा सीट आती है और 8 में से 3 विधानसभा सीट कोरिया जिले में है, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और भरतपुर सोनत विधानसभा। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा मतदान केंद्र भरतपुर सोनत विधानसभा के सेराडाण में है, मतदान केंद्र क्रमांक 143। वहाँ 4 मतदाता है और वहाँ भी मतदान संपन्न हुआ है। अभी की जो स्थिति है 70% से ऊपर का मतदान यहाँ पर हुआ है कोरबा लोकसभा में। और हमारे साथ इस वक्त मनेन्द्रगढ़ के विधायक विनय जायसवाल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो ये परसेंटेज आया है मतदान का, उसको लेकर के उनकी क्या राय है, वो क्या सोचते हैं कि ये मतदान उनके फेवर में है या फिर से एक बार मोदी सरकार, क्या मानते हैं आप जो मतदान का प्रतिशत आया इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, अप्रैल के प्रचंड गर्मी में भी मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में, कोरबा लोकसभा की मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में 70% से ज़्यादा मतदान हुआ। और जब भी मतदान ज़्यादा होता है तो वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है, जो सरकार की जो नाकामी होती है उसके खिलाफ होती है। और निश्चित रूप से जो ये वोट पड़ा है, ये जो मैंडेट है, ये मोदी सरकार के खिलाफ है, केंद्र सरकार के खिलाफ है। और इस बार मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से जो 4,000 की लीड थी, लगभग इस बार 10,000 से ज़्यादा की लीड होने की संभावना है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष रामदास महंत की प्रतिष्ठा इस पूरे लोकसभा में लगी हुई है, क्या लगता है? ज्योत्सनादास महंत को उन्होंने उम्मीदवार बनाया था, उनकी पत्नी, किस तरह की प्रतिष्ठा को, क्या तीनों विधायक कांग्रेस के उनकी प्रतिष्ठा को बचा के रख पाएंगे या उनकी प्रतिष्ठा दूंगी लोगों? देखिए, हमारी प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत जी, जो एक बहुत सफल समाज सेविका थी, इसको भी लोगों ने देखा है। भाजपा के जो प्रत्याशी थे, भाजपा कहीं भी पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान नजर नहीं, एक जगह भी ऐसा लगा नहीं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उत्साहित हैं। तो ये थे डॉक्टर विनय जायसवाल, उनका साफ कहना था कि उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिला है और जो वादे कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय किए थे और जिन वादों को कांग्रेस ने पूरा किया है, और निश्चित तौर पर जनता उन्हें इस बार भी मौका देगी और लोकसभा चुनाव में यहाँ से डॉक्टर जयरामदास महंत की जो पत्नी है ज्योत्सना महंत, उनकी अवश्य विजयी होगी, ऐसा उनका मानना है। सतीश गुप्ता, IBC 24, कोरिया।